संस्कार भारती आगरा पश्चिम के तत्वाधान में पंचम अरुणोदय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कवि प्रणव कुमार कुलश्रेष्ठ ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्कार भारती आगरा पश्चिम के तत्वावधान में पंचम अरुणोदय काव्य गोष्ठी का शुभारंभ वरिष्ठ कवि प्रणव कुमार कुलश्रेष्ठ, कार्यकारी अध्यक्ष हरीश अग्रवाल नपोशंक और उपाध्यक्ष इंजीनियर सुरेश चंद्र अग्रवाल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर सरस्वती वंदना का पाठन दीप्ति दीप ने किया और ध्याय गीत का गायन संस्कार भारती के दीपक गर्ग ने किया। संस्कार भारती की ये जो अरुणोदय काव्य गोष्ठी का जो श्रृंखला चालू हुई है ये पांचवा अंक है और इस माध्यम से संस्कार भारती ये प्रयास कर रही है कि शहर के जितने भी नवोदित कवि हैं या स्थापित कवि हैं दोनों का मेल कराया जाए, समागम कराया जाए, जिससे नए बच्चों को पुराने लोगों से कुछ सीखने को मिले और पुराने लोगों को अपनी रचनाओं को मांझने में और बेहतर मदद मिले। संस्कार भारती द्वारा अक्टूबर मास में ये निर्णय लिया गया था कि नवोदित जिनको अरुणोदय का नाम दिया गया ऐसे नवोदित कवि और कवियत्रियों को एक मंच देने का निर्णय लिया गया। उसके अंतर्गत नवंबर मास से ये मासिक काव्य गोष्ठी अरुणोदय काव्य गोष्ठी के नाम से हर माह हो रही है और आज ये 28 मार्च को पांचवी काव्य गोष्ठी है, नागरिक चांडी में हो रही है और इसमें आज अभी तक 19 कवि काव्य पाठ कर रहे हैं जिसमें 6 नवोदित कवि हैं और कुछ वरिष्ठ कवि हैं। वरिष्ठ कवि नवोदित कवियों का मार्गदर्शन भी करते हैं, उनको प्रेरणा भी देते हैं और उसी क्रम में ये काव्य गोष्ठी का आज आयोजन हो रहा है। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।